सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे फार्मटेक के 50 HP जो नया सुपर मैक्स आया है इसके बारे में, साथ इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि क्या इसके अंदर अलग कर दिया है कंपनी ने। अगर सबसे पहले इसके ओवरव्यू की बात की जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है फार्मटेक और नीचे लिखा हुआ है 50, जो कि थोड़ा स्टाइलिश लगता है। वहीं आप हेडलैम्प देखेंगे तो इसमें LED लगी हुई है। उसके बाद अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ लिखा है 50 EPI क्लासिक प्रो और 20 ईयर से ये कंपनी बना रही है ट्रैक्टर। उसके बाद लिखा हुआ है फार्मटेक और सुपर मैक्स लिखा हुआ है। उसी के बाद अगर आप कभी इसके मड गार्ड देखेंगे तो इस पर 50 HP कैटेगरी लिखा हुआ है और जो हेडलैम्प है वो LED स्टाइल डिज़ाइन दिए गए हैं। वहीं साइलेंसर देखेंगे आप तो कुछ अलग स्टाइल में आपको दिख जाएगा। अब अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसका 48 HP का इंजन है जो कि अपनी पूरी पावर 1850 RPM पर प्रोड्यूस करता है। और ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर नॉन टर्बो दिया गया है जो कि DCIM इंजन नाम से आता है। उसी के साथ इस इंजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वाटर सेपरेटर मिल जाएगा और नीचे आपको डीजल फिल्टर दिया गया है जो कि सिंगल आता है, मतलब इसमें एक ही डीजल फिल्टर दिया गया है। उसी के साइड से आपको ये बैटरी मिल जाएगी जो कि बाहर साइड दी गई है। अब अगर इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए तो ये 6.5 लीटर का की लॉक सिस्टम के साथ फ्यूल टैंक आता है। इसके बाद अगर हम इसके ब्रेक की बात करें तो इसके ऑयल इमर्ज मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम रहते हैं हमारे ट्रैक्टरों में। अब अगर इसके एयर क्लीनर का व्यू किया जाए तो ये ऑयल वाइट टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है। उसी के साथ ये जो टंकी आपको दिख रही है पावर स्टीयरिंग के लिए दी गई है, मतलब सेपरेट पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल दिया गया है जिसकी पूरी डिटेल हम जानेंगे। अगर इस साइड से हम व्यू करें तो यहाँ पे आपको 2 पंप दिख जाएंगे जो कि एक पंप हाइड्रोलिक का है और दूसरा पंप जो है पावर स्टीयरिंग का है। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो डबल एक्टिंग रॉड के साथ दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है ट्रैक्टर के लिए। इससे जो इंजन पे है कम लोड पड़ता है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इससे जो इंजन की रेस होती है उसको आप कम भी रखेंगे तो भी ये स्मूथली वर्क करेगा और ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं आता, तो ये काफ़ी अच्छी बात दी गई है। और साथ में ये सेपरेट ऑयल दिया गया है तो इसमें कम मेंटेनेंस रहेगा। उसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इसके हाइड्रोलिक फिल्टर दिया गया है और इंजन फिल्टर भी दिया गया है। और उसके बाद अगर आप इसके क्लच की बात करेंगे तो इसका डूल क्लच है। डूल क्लच वो होता है जिसके अंदर PTO क्लच भी आता है, साथ में गियर क्लच भी दिया जाता है। अब अगर इसके ऊपर वेट कर देखा जाए कि कैसा लग रहा है तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ओल्ड स्टाइल जो फार्मटेक हमारा 60 आता था उसी स्टाइल में दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमारे यहाँ पर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मीटर दिया गया है जो कि हावर जो है वो डिजिटली शो करेगा, बाकी सब आपको मीटर से इंडिकेशन होगी। उसके बाद अगर आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर रेस इंडिकेटर दिया गया है, उसी के साइड से पार्किंग की भी लाइट दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ स्टॉपर स्विच दिया गया है, लाइट के लिए दिया गया है, हॉर्न के लिए दिया गया है और की सिस्टम दिया गया है। उसी के बाद अगर आप इसके प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो थोड़ा बम्प दिया गया है, मतलब थोड़ी सी हाइट दी गई है प्लेटफॉर्म में, लेकिन प्लेटफॉर्म का जो साइज है वो थोड़ा पहले से बड़ा कर दिया गया है जिससे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है किसान भाई को ड्राइविंग। इसके बाद अगर इसके गियर बॉक्स का व्यू किया जाए तो इसके 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स वाला कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स दिया गया है जो कि साइड शिफ्टेड ऑप्शन के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात दी गई है सुपर मैक्स के अंदर। और ये जो है काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि साइड शिफ्टेड में किसान भाई को कम लोड पड़ता है और वो आसानी से गियर लगा सकता है। और इसका जो साइड शिफ्टेड है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब अगर इसके बाद इसकी हाइड्रोलिक का व्यू किया जाए तो इसकी ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है जिसके अंदर एक पोजीशन कंट्रोल होता है और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। ड्राफ्ट कंट्रोल से आप एक ड्राफ्ट फिक्स कर सकते हैं और पोजीशन से आप उस पोजीशन पे उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसी के साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एक लीवर दिया गया है जो कि डबल एक्टिंग DC वाल्व के लिए दिया गया है। इसी DC वाल्व से आप पल्टी प्लो और इसी से आप ट्राली भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब अगर उसके बाद दूसरे साइड व्यू किया जाए तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा गियर दिखेगा जो कि डुअल क्लच के लिए दिया गया है। इसे आप आगे करते हैं तो ये फॉरवर्ड में चलेगा और पीछे करते हैं तो आप रिवर्स इससे चला सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे आप 2 चीज़ों से ऑपरेट कर सकते हैं। उसी के बाद अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ टूल बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आप टूल रख सकते हैं। अब अगर इसके बैक साइड का व्यू किया जाए तो इसके बैक साइड में काफ़ी स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी लो वेट लगता है आपको पीछे से। इसके अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग वाली लिफ्ट दी गई है जो कि ADDC टाइप कहती है। और अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ आती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है एक 50 HP ट्रैक्टर के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर DC वाल्व का लीवर अलग ही दिख जाएगा और उसी के पास आपको पार्किंग ब्रेक का भी दिख रहा होगा। उसके बाद अगर इसकी खास बात की बात की जाए तो ये सुपर मैक्स में EPI दिया गया है। EPI मतलब EP साइक्लिक रिडक्शन के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है।
अब अगर इसकी पीटीओ की बात की जाए तो इसकी पीटीओ जो है वो 540 और मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ दी जाती है, मतलब आप आगे करेंगे तो 540 हो जाती है और पीछे करेंगे तो मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ हो जाती है। उसी के साथ साथ जो इसका वेट बढ़ा है वो इसी कारण बढ़ा है क्योंकि इसमें ईपीआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए इसे 50 HP ईपीआई क्लासिक प्रो कहा जाता है जो कि सुपर मैक्स नाम से आता है। और इसका जो ईपीआई सिस्टम है इसके अंदर जीरो ग्रीसिंग पॉइंट दिया गया है। जीरो ग्रीसिंग पॉइंट देने से क्या होता है कि जो आप मड में काम करते हो तो आपको बार बार ग्रीसिंग नहीं करना पड़ता, और इसके अंदर कोई बेयरिंग सिस्टम नहीं है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर इसके टायर साइज़ का बात की जाए तो सामने के जो टायर हैं वो 6x16 के दिए गए हैं और जो बैक टायर है वो 14x28 के दिए गए हैं। तो यही सब कुछ है फॉर्मटेक के 50 HP EPI क्लासिक प्रो के बारे में जो कि सुपर मैक्स नाम से आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।